और कोई अधिकारी नहीं यहाँ पर। हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में देखिए, बड़े शर्म की बात है। अचलेश्वर मंदिर एक माना हुआ, एक मानी हुई एक मंदिर है यहाँ पर अचल ताल पर, और आज कितनी बड़ी घटना घटित हुई है। लेकिन ना प्रशासनिक कोई अधिकारी, ना नगर निगम का कोई अधिकारी, लगातार जानकारी देने के बावजूद इन लोगों के इतने दिमाग खराब हो गए हैं नगर निगम अधिकारियों के एक भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। लगातार मिट्टी खोदते रहे पीछे साइड से और जड़ा कमजोर करते रहे। हो सकता है कि यहाँ रहते थे लोग, अगर उस समय मौजूद होते, अगर ये रात्रि का समय होता तो कितनी मौतें होती, उसका वो जो है जिम्मेदार नगर निगम होता। मेरा कहना यही है, विधायक जी आए हुए हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। और नगर आयुक्त तो इतना मतलब जिसे कहा जाए उसे तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है, बहुत बदतमीज किस्म का व्यक्ति है। संदेश यही देना चाह रहे हैं, या तो ये नगर निगम सुधर जाए, नहीं सुधारना जानते हैं अच्छी तरीके से इन लोगों को। इस अन्नमय के धन्यवाद क्या है? देखिए, ये अलीगढ़ का प्राचीन मंदिर है अचलेश्वर महादेव, और अलीगढ़ ही नहीं आसपास के जितने भी जनपद हैं उसका हिंदू समाज की विशेष आस्था है अचलेश्वर महादेव के अंदर। अचलेश्वर महादेव मंदिर की एक दीवार नगर निगम के कुकर्मों द्वारा, मैं कुकर्म शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर के बराबर की जो जगह है अचल सरोवर उससे लगा हुआ है, वहाँ से मिट्टी खोद दी गई और उसके बराबर में कोई दीवार नहीं खड़ी करी गई, जिसके कारण कल जो बारिश हुई है मंदिर का एक हिस्सा अचल सरोवर में जा गिरा, मूर्तियाँ अपनी क्षतिग्रस्त हो गई, नवग्रह और हनुमान जी की मूर्ति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 8 बजे से लगातार मैं और कुछ सामाजिक लोग मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि अचलेश्वर महादेव जो इस समय जहाँ बैठे हैं वहाँ भी नीचे गड्ढा हो चुका है, हम नगर निगम के संपर्क में हैं, नगर आयुक्त साहब का नंबर बन जा रहा है, उनका नंबर खुल नहीं रहा, सहायक नगर आयुक्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी और भी इशूज़ हैं अलीगढ़ में, तो मैंने कहा ये अलीगढ़ में सबसे बड़ा इशू है, और अगर ठीक ऐसा ही किसी दूसरे मजहब के धर्मस्थल पर हो जाता तो आप भी खड़े होते और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी खड़े होते, ये सब लीपापोती करने में लगे पड़े हैं। और अगर बारिश तेज हो गई तो मुझे डर है जो हमारे अचलेश्वर महादेव हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, भोलेनाथ अपनी स्वयं सुरक्षा करेंगे क्योंकि नगर निगम तो कुछ करने वाला है नहीं, अभी तक तो कुछ यहाँ पर है नहीं।